हाय फ्रेंड्स आज को शो पर हम लाइट कंट्रोल सेंसर के बारे में जानेंगे और इस पर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो मेरे पास एक बड़ा सा सी बल्ब है इसी को आज हम इसमें यूज़ करेंगे और इसके ऊपर सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ से पढ़ सकते हो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये लाइट कंट्रोल सेंसर फोटो सेल इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसका जो टाइप है एच और पावर सोर्स इसमें जो इनपुट सप्लाई देंगे टू ट्वेंटी वोल्ट से टू फोर्टी वोल्ट ए दे सकते हैं और इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो फिफ्टी पे वर्क करता है रेटेड करेंट ट्वेंटी एमपियर तक है और इसके नीचे आप मेन लाइट लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख सकते हो तो एक दो सिंबल है ये डबल स्क्वायर का डबल स्क्वायर सिंबल का मतलब है इसमें जो भी वायर यूज किया है डबल इंसुलेटेड वायर सब यूज किया गया है इससे ये इसका मतलब ये बहुत ही सेफ़ है और ये अच्छे से वर्क करता है और उसके ऊपर आप देख सकते हो जो बल्ब दिया हुआ है जो इंडिकेट करेगा जब आप इसमें पावर सप्लाई दोगे तो इसमें ग्रीन कलर का बल्ब जलेगा उसके बाद जब ये वर्क करे करना शुरू कर देगा मतलब तो कि इस ये पावर सप्लाई जब आउटपुट देगा ये लाल कलर का एल बल्ब जलेगा और यहाँ पर चार पिन लगाने के लिए दिया है और नीचे में दो पिन लगा दिए है लगाने के लिए दिया है इस इसमें जो हम लाइट लगाएंगे जो लाइट लगाना होगा या फिर जो भी इक्विपमेंट को चलाना होगा वो चलाएंगे और यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे और इसमें हम सेंसर लगाएंगे चलिए मैं आपको सेंसर भी अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन सा सेंसर लगाना है आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस टाइप का साइन बनाया हुआ है कि इसमें जो जो सेंसर लगेगा तो उस पर यदि लाइट पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा और आउटपुट वोल्ट देगा ये जो सेंसर है आप इसके बारे में सुने हुए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये पैक है इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर ये सेंसर लगा हुआ है आप देख सकते हो इसके साइड में मैं इसका फोटो भी दिखा दे रहा हूँ यही सेंसर है इसी इसी के वायर को हम इसमें लगाना है और इसका नाम है एल सेंसर तो इस दोनों में हमें लगाना है पहले इसका स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे और स्क्रू को ओपन करने के बाद इसमें हम लगा देंगे और उसके सामने वाले साइड में हम बल्ब लगा देंगे और टू ट्वेंटी वोल्ट का सप्लाई देंगे जो हमारे घर में आता है ए सी सप्लाई उसी को हमें इसमें सप्लाई देना है और इस कंट्रोल से आप लाइट लाइट जो आता है मतलब कि कितना अंधेरा हो जाए तो आपका लाइट जलना चाहिए ये यह यहाँ पे इस पर सेट कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज बताऊँगा कि कैसे आपको सेट करना है और क्या क्या इसमें फंक्शन दिया हुआ है तो हम एल डी आर एल डी आर सेंसर को इसमें हम लगा दिए अब हम इसमें बल्ब लगा देंगे ये जो मेरा सी बल्ब है उसके उसका होल्डर मेरे पास नहीं था उसमें हम वायर को सोल्डिंग कर दिए अब डायरेक्टली हम इस दोनों वायर को इसमें लगा देंगे पहला वाला जो वायर है पहला वाला जो पिन है दो उसमें हमें सप्लाई देना है देख सकते हो ये मेरा सप्लाई है टू ट्वेंटी वोल्ट का सप्लाई इसमें अभी हम देंगे तो इसमें अभी हम सप्लाई नहीं दिए तो इस वायर को पहले हम इसमें लगा देते हैं इस वायर को लगाने के बाद हम इसमें सी एफ एल बल्ब को भी लगा देंगे उसके बाद उसके बाद हम इसमें पावर सप्लाई देंगे और इसे एक्चुअली में कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम सारा कुछ जानेंगे अभी जो है हम इसका इसमें सेफल बल्ब नहीं लगाए हैं चलिए मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ अभी इसमें सेफिल बल्ब नहीं लगाए हैं उसके बाद ये वर्क कर पाता है या फिर नहीं करता है तो इसमें पावर सप्लाई जब हम देते हैं देख सकते हो तो इसका जो हरा कलर का एल ई डी बल्ब है वो जल रहा है इसका मतलब इसमें पावर सप्लाई आ चुका है चलिए मैं आपको इसका सेंसिंग करके सेंसिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ देखते जब ये अंधेरा हुआ तो ये जलेगा मतलब कि ये इस जब ये एल बल्ब जलेगा लाल कलर का इसका मतलब ये पावर आउटपुट दे रहा है तो चलिए अब आप मैं आपको इसमें बल्ब लगा के दिखा देता हूँ अब हम इससे फिर बल्ब के दोनों वायर को इसमें लगा देंगे दोनों वायर को लगा के हम अच्छे से इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे स्क्रू को टाइट करने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है देख सकते हो ये अभी जल रहा है जब इसे अंधेरा दिए इसके ऊपर अंधेरा किए तो ये जल गया अब जब इसे हाँ डाएंगे तो इस पर लाइट पड़ेगा थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा चलिए मैं आपको इसे फिर से अंधेरा करते हैं देखते ये अभी जल रहा है जब इसे छोड़ देते हैं इस पर लाइट जब पड़ेगा तो ये ये ऑफ हो जाएगा इसका मतलब ये इस इस तरीका से आप इसे सेट करके छोड़ दोगे कहीं बाहर में ये ऑटोमेटिक शाम होते ही आपका लाइट जल जाएगा और फिर जब सुबह होगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा मतलब ये इस, इसी तरीका से वर्क करता है जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये काम करना बंद कर देगा देख सकते हो अभी हम इसका सेंसिंग पावर ज़्यादा ज़्यादा कर दिए हैं तो ये अभी जल नहीं रहा है इस पर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा करना पड़ेगा मतलब बहुत ज़्यादा रात होगा तब ये जलेगा तो बहुत ज़्यादा रात करने के लिए अभी तो दिन है तो हम इस पर क्या किए काला कपड़ा डाल दिए तब ये जला चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस काला कपड़ा को इस पर डाल देते हैं उसके बाद मैं आपको ये जो काला कपड़ा है मेरा इस पर हम डालते हैं मतलब कि इसका हम सेंसिंग पावर को ज़्यादा कर दिए हैं तो ये देख सकते हो जब इस पर काला कपड़ा मतलब कि ये आप सेंस कर रहा है कि रात हो गया तब तो ये जल गया जब फिर से इस पर लाइट आएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो इसी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो कि शाम कितना शाम हो जाए मतलब कितना अंधेरा हो जाए तो वो आपका लाइट जलना चाहिए और बंद हो बंद हो जाना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे इस पॉइंट पर इस तरीका से सेट से कर सकते हो जब इसे हम फुल पावर फुल कर दिए तो आप देख सकते हो ये हमेशा के लिए जल जलता रह जाएगा तो इसी तरीका से आपको इसे सेट से करना है तो कितना अंधेरा हो जाए तब आपका ये लाइट जलना चाहिए तो आपको शाम को क्या करना है शाम को देख लेना है कि मतलब कि हाँ कितना अंधेरा हो चुका है और यदि अभी जलाना है तो अभी उस पॉइंट पर सेट करके ऑन जब ऑन हो जाएगा उस पॉइंट पर सेट करके आपको छोड़ देना है इसी तरीका से ये वर्क करता है और इसके आ, आगे आप कुछ भी लगाते हो कोई भी एल बल्ब कोई भी फैन कुछ भी लगा सकते हो तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद इसी तरह का टेक्निकल वीडियो यदि आपको देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद